हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं कलेक्शन ऑफ टॉयज। और आज का जो कलेक्शन है काफी कमाल का है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिलिट्री जीप कलेक्शन है। मेरे पास यहाँ पे दो मिलिट्री जीप है, एक जो है स्मॉल है मिनी और एक जो है बिग है साइज में, और दोनों ऑटोमेटिक है, दोनों रिमोट कंट्रोल से चलने वाली है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी जाके दबा दो, जिससे कि मैं जब भी कोई नया हमारा टॉयज का वीडियो लेके आऊंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा, और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले भी बस बन पाएंगे। चलिए बिना किसी देर के जल्दी से हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम हमारे पिक करते हैं हमारी मिनी मिनी थार बोल जाए मिनी हमारी जीप देख लीजिए, इसको हम पिक करते हैं। साथ ही साथ हमें इसका मिलता है रिमोट कंट्रोल, तो दोनों हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो आपको इसकी स्पेशलिटी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके अंदर टायर जो है वो काफ़ी पूरे के पूरे जो है रबर के टायर दे रखे हैं। इसके अंदर सस्पेंशन जो है आपको दिख रहा होगा, इसके टायर जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऑटोमेटिक चलने वाली है। यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच है, मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर बैटरीज कहाँ से लगती है। उसके पहले मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी बता देता हूँ। इसके अंदर जो प्लास्टिक लगा काफ़ी हेवी प्लास्टिक है और मटेरियल काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर यहाँ पे ग्लास की जगह कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह दे रखी है। पीछे आपको ये सिर्फ 2x2 है, यहाँ पे दो लोग ही बैठ सकते हैं, पीछे आप लगेज वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसके पीछे टायर वगैरह दे रखा है। यहाँ पे इसको आपको किस तरीके से इसके अंदर बैटरी लगती है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको यहाँ से निकालना होगा। ये जो है ना आपको ये वाले ट्रक को आपको यहाँ से, एक सेकंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मुझे इसको पीछे करना होगा। ये देखिए एक मिनट मैं इसको निकाल के ही आपको बताता हूँ, एक मिनट तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ आपको क्या करना होगा। हल्का सा देखिए यहाँ पे स्विच दे रखा, इसको आगे की तरफ पुल करना, इसको इस तरीके से उठा देना यहाँ पे, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसका जो ऊपर की बॉडी वो निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपके दो डबल साइज की बैटरीज लगती है। यहाँ पे देखिए इस तरह का लॉक भी दे रखा है, यहाँ पे आपको इस तरह का लॉक यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे बैटरीज नहीं निकल के जाए, उसके लिए आपको ये लॉक यहाँ पे दे रखा है। तो इसको भी आप लगा सकते हो, निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी सिंपल है आपको ये लॉक निकालना। तो यहाँ से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक काफ़ी मुश्किल है। देखिए देखिए मैंने यहाँ से लॉक निकाल दिया है, ये इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ से आप बैटरी इस तरीके से लगा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पर लगा दो और इसको लॉक को आप एक को यहाँ पर फिट कर दो और दूसरे वाले को आप इधर लगा दो। ये देखिए लॉक लग चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो बॉडी है इसको आप इसके ऊपर लगा दो, दोनों बैटरीज यहाँ पे लग चुकी है। तो बॉडी इसको मैंने पहले पीछे लगाया फिर ये आगे लगा दिया, देखिए बॉडीज लग चुकी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो नीचे जो लाइट है वो जल जाएगी यहाँ। तो इसको मैं आपको चला के बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मुझे काफ़ी स्मॉल सा मुझे यहाँ पर रिमोट कंट्रोल मिला। ये देखिए राइट और लेफ्ट का बटन है, और इसके अंदर भी दो डबल साइज़ की बैटरीज लगती है, तो आई थिंक इसके अंदर लगी हुई है, तो एक बार वो भी चेक करके आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो डबल साइज़ की बैटरीज लगी, तो यहाँ पे चलिए इसको मैं कर देता हूँ बंद, और यहाँ से मैं इसको करने जा रहा हूँ ऑन। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए ऑन हो चुका है। यहाँ से आप देखिए राइट और लेफ्ट होगा, देखिए ये देख सकते हो आप इसके हल्का सा इसके टायर के अंदर मूवमेंट आ रहा है। इसको आगे पीछे आपको चलाना, देखिए तो आगे गई है देखिए यहाँ से, और ये पीछे हो रही है, देखिए रिवर्स। तो अब चलो मैं आपको यहाँ पे इसको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको इसको पीछे जा रही है या आगे आ रही है, देखिए वाव है ना कमाल की हमारी ये मिनी जीप। देखिए काफ़ी साउंड लेस है, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो साउंड तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको ये मिनी हमारी जीप पसंद आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको इसको परचेस करना तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, रफ एंड टफ है, एकदम धमाल है, एकदम बॉडी जो है इसकी काफ़ी कमाल की है, पूरी फ्लेक्सिबल है, निकल सकती है, ओपन टू यूज़ है। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको परचेस करिए, आपको मज़ा आ जाएगा इसको चलाने में। तो चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब आते हैं हमारी अगली बिग रिमोट कंट्रोल वाली हमारी, इसको बोल दो जीप या इसको क्या बोलते हैं आप मुझे नाम बताइए इसका। पूरी के पूरी कमाल की इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, ऐसा लग रहा है इसके टायर देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबल इसके टायर है, देखिए वाह। आपको आपको पता चल रहा है ना कि इस तरीके से इसके टायर है काफ़ी फ्लेक्सिबल है यहाँ पर टायर्स इसके। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मैं ऐसा नहीं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, अच्छी है मतलब ठीक है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है, रफ एंड टफ नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर पीछे एक स्टेपनी टायर दे रखा है यहाँ पे, और इसका रिमोट कंट्रोल देखिए आप इसके, वाह है ना कमाल का इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ पे।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर बैटरीज कितनी लगती है। यहाँ पे एक और चीज़ है, इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चार्जेबल बैटरीज लगती है यहाँ पे। तो आपको वो चार्जेबल बैटरीज यहाँ पे लगाना है, और ये जो है आपको किसी भी एडाप्टर के अंदर लगा के आपको चार्ज करना, तो बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कितनी बैटरीज लगती है, क्या लगता है, तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर बैटरीज कितनी लगेगी। तो यहाँ पे ये बंद है, आई थिंक मैं अभी आपके लिए एक स्क्रू ड्राइवर लेके आया, तो उसको इसको खोल के आपको बताएंगे कि कितनी बैटरीज लगेगी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट के यहाँ पे ग्लास नहीं दे रखा है, यहाँ पे दोनों तरफ फ्रंट में भी इसमें कांच वगैरह नहीं लगा है, और सीट के अंदर दो लोग बैठे भी, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, दोनों के दोनों ने मास्क पहन रखा है, दोनों सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। और आई थिंक ये देखिए एक के तो हाथ में हैंडल भी है, तो कार चला ही रहा है। तो चलिए मैं अभी इसकी यहाँ से बैक एंड से इसको ओपन करता हूँ, कितनी बैटरी लगती है वो आपको बताता हूँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर लेके आ चुका हूँ, यहाँ से इसको अपन ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितनी बैटरी लगती है। चार्जेबल है ये, तो ये यहाँ से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक बैटरी दे रखी है यहाँ पे, वो भी चार्जेबल बैटरी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे लियोन की बैटरी, ड्यूटी लियोन 14,500 से लेके 500 mAh 3.7 वोल्ट यहाँ पे दे रखा, सिंपल एक बैटरी है। तो देखते हैं अब एक बैटरी कितना इसमें पावर ले पाती है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका सॉकेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसके ये देखिए ये दिख रहा होगा, इन दोनों को आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे देख मैं आपको लगा के बता, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब आपको ये इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर दो, ये देखिए हो चुकी है। और अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं पैक। अभी मैं यहाँ से स्क्रू ड्राइवर इसको भी कस देता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं आपको इसको नीचे चला के बताऊँगा अच्छे से। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आई थिंक चलने में कैसी वो आपको पता चलेगा। और ये इसका रिमोट कंट्रोल है, देखिए काफ़ी कमाल का है, काफ़ी स्मूथ है। और ये देखिए इसका एंटीना भी काफ़ी लंबा है। तो इसके अंदर कितनी बैटरीज लगती है मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे दो डबल साइज की बैटरीज लगेगी, तो मैं आपके लिए अभी लेके आया दोनों डबल साइज की बैटरीज। देखिए एक को यहाँ लगाया, दूसरी को भी यहाँ लगा दिया, देखिए दोनों को यहाँ लगाया। उस पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से इसके अंदर आप इसको फिट कर दो। आई थिंक हमारा रिमोट जो है वो बन के तैयार हो चुका है, देखिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आगे पीछे चलाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन हो चुकी है। और उसके बाद मैं आपको इसको नीचे चला के बताऊंगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए काफ़ी दूर तक के जा रही है, पीछे स्पीड देखिए इसकी ऑटोमेटिक जो है वो ओ हो देखिए मेरे पाँव में फंस चुकी है। देखिए रिवर्स, आगे, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक। तो देखिए मैं इसको अभी टाइल्स पे भी चला के बता रहा हूँ, लेकिन टाइल्स पे ये फिसल रही है जिस तरीके से वो वहाँ पे चल रही थी। मतलब आपको अगर इसको चलाना है तो स्लिपरी जगह पे ना चलाइए इसको, तो आपको मज़ा आएगा इसको चलाने में। देखिए यहाँ पे इसके टायर जो है आपको दिख रहे होंगे फिसल रहे हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ है। देखिए वह नीचे ही घूमे जा रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं जा रहे ये। और अगर आप इसको ऑफ रोडिंग चलाओगे तो काफ़ी अच्छी चलती है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। अगर आपको पसंद है ऑफ रोडिंग ट्रक या जीप बोलते हो इसको, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए काफ़ी स्लो स्लो जा रही है, और बैक में भी काफ़ी धीरे धीरे आ रही है। आई होप आपको आज का हमारा कलेक्शन ऑफ जीप्स का वीडियो पसंद आया होगा। देख सकते हैं दोनों ही काफ़ी कमाल की थी, काफ़ी स्मॉल थी और काफ़ी बिग थी। इसके अंदर पावर ज़्यादा था, लेकिन सिंगल बैटरी थी चार्जेबल। इसके अंदर दो डबल साइज की बैटरी लगती थी अलग से, तो आपको मज़ा ही आया होगा यहाँ पे। और देख सकते हैं चलने में भी ये काफ़ी कमाल की चीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉयज़ के वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।